मक्खनपुर गांव में एक लड़की सबू थी जो बहुत चटोरी थी। हर दिन सुबह उठते ही नाश्ता का प्रश्न करती थी, खाने में क्या है, शाम के स्नैक्स में क्या है। सबू हमेशा जंक फूड चाहती थी और उसकी माँ उससे परेशान थी। सबू सुबह से शाम तक मोमो, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर खाती थी। माँ उसे फल और हरे सब्जियों प्यार से खिलाने की कोशिश करती थी, पर सबू इरिटेट हो जाती थी और सबू को गांव में नानी माँ को छोड़कर चली जाती हैं। उस रात को उसके सपनों में अन्न की देवी आती हैं और कहती हैं कि तुम घर का खाना खाओ और खेला करो, तुम्हारी माँ बहुत दुखी हैं और जल्दी घर चली जाओ। लेकिन सबू अन्न देवी की बातें नहीं सुनती और हर बार जंक फूड खाती रहती है। अब सबू गुब्बारा जैसे बनकर उड़कर लंबी पैर की ऊपर चली जाती है। रात हो जाती है और सभी सबू को ढूंढते हैं। अब सबू को भूख और डर लगने लगता है और अचानक उसे अपने सपने का याद आता है और देवी को पुकारती है। देवी आती है और सबू देवी से माफी मांगती है। देवी भी दिल बड़ा रखकर उसे माफ करती है। अब सबू अपनी मम्मी के पास चली जाती है, खेल खुद खेलती है और घर के ही खाना खाती है।